अपने महीने का खर्च कैसे चलाएं और साथ ही बचत कैसे करें, यह है आज का टॉपिक। मिडिल क्लास फैमिलीज़ को अनावश्यक खर्चों को किस तरह से रोके ताकि कुछ पैसा सेव हो सके, जो कि उनके भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करे। पैसा बचाने की आदत बहुत अच्छी होती है, ये आपको बहुत बड़ी बड़ी आर्थिक समस्याओं से, इमरजेंसी सिचुएशन से निजात दिला सकती है। अ वेरी बिग हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमन। अभी कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। जो बिजनेस है वो भी बस चल ही रहे हैं, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं या कई लोगों को मतलब कंपनी ने रिट्रेंचमेंट कर दिए हैं, हाफ सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं कई लोग। और इवन जो कोरियर गाइस, मेरी एक किससे बात हुई थी, उन्होंने ये बोला, वो आए थे कि बिल्कुल एकदम जो पेमेंट है वो बंद कर दिए गए हैं, बस खाली जो आपको जो डिस्पैचेस आप कर रहे हैं ना पर पार्सल, उनको पैसे मिल रहे हैं। और जो है उसके साथ भी कई लोग तो कट डाउन के साथ सैलरी दे रहे हैं और कई लोग केवल जॉब बेसिस के ऊपर दे रहे हैं। तो दुनिया इतनी ज़्यादा पोस्ट कोविड बदल गई है। सबसे ज़रूरी केवल तीन ही चीज़ें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती है वो हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो हम पैसे कमाएं तो हैं ही, लेकिन साथ में बचाएं कैसे? अब कुछ ऐसे जो मनी ट्रैप्स होते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनको अवॉइड करके हम अपने घर के खर्च से ही पैसे बचा सकते हैं और अच्छी तरह चला सकते हैं घर को। देखिए, जैसे आमदनी होती है वैसा खर्च होता है। कई लोग अपना घर 15,000 में भी चला लेते हैं, कई 10 में भी चला लेते हैं, कई 5 में भी चला लेते हैं। और जिनकी अगर आमदनी अच्छी है 1,00,000 में, तो उनके खर्चे उस हिसाब से होते हैं। लेकिन मैं एक ही बात बोलती हूँ कि बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन विशेष तौर पर ये मैं आपको मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए, उनके पास में अगर चाहे जॉब है या बिजनेस है या वो कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, पैसे बचाना बहुत निहायती ज़रूरी है। तो ये कैसे करें, चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट मनी ट्रैप है माय डियर फ्रेंड्स, विंडो शॉपिंग, मॉल में जाके शॉपिंग करने से बचिए। क्योंकि जब आप मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आपको सामने सारा जो डिस्प्ले होता है उसके अंदर चीज़ें दिखाई रहती हैं। तो आप क्या है कि एक चीज़ ये डाली, जो चीज़ पड़ी है ना वो भी आप, ऑफर लग रहा है कि अरे बाय वन गेट वन मिल रहा है, पता नहीं अगले महीने ऑफर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लो चलो इसको भी टोकरी में डाल लो। ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जिनको लेने के लिए आप नहीं गए थे वहाँ पे, केवल आपको वहाँ पे जो एक लुभावना, जो एक ऑफर, जो एक लालच, जो एक इम्पल्सिव शॉपिंग के लिए वो जो दिए जाता है कस्टमर्स को, उसकी वजह से आपने लेकर के अपनी बास्केट में डाल दिया। अल्टीमेटली वहाँ से निकल करके जब आप बिलिंग काउंटर तक आते हैं, तो जो जहाँ पर बिलिंग काउंटर होता है उसके आसपास कई चीज़ें ऐसे होती हैं जो छोटी मोटी 10-20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की। अपन सोचते हैं ठीक है यार 10-20 रुपए की तो है, बच्चे भी लेके डाल देंगे टोकरी में, ले लो भाई, आप ले रहे हैं तो वो भी साथ जा रहे हैं, तो वो तो कुछ तो शॉपिंग वो भी करेंगे ना, तो वो लेके टोकरी में डाल देंगे। अब वो लेके लेते डालते आपका अच्छा वाला बिल बन जाएगा। ये चीज़ एक मीठा खर्चा है, मतलब जो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो ये दुकान वाले, किराना वाले, पंसारी वाले लोग होते थे, हम जाके जैसे 1 किलो आटा दे दो, 1 किलो दाल दे दो या चावल दे दो, ज़रूरत की चीज़ें जो लोग पुराने लोग होते थे ना, हमारे बुजुर्ग, वो लेकर आ जाते थे। और उसके अंदर भी कट शॉर्ट कि भाई इतने पैसे में घर चलाना है, इतनी तनख्वाह आ रही है, इतने पैसे में घर चलाना है, और उसमें राशन का खर्चा इतना होगा, लिस्ट बना करके अगर आधा किलो ये चीज़ चाहिए तो आधा किलो ही चाहिए, ऊपर नहीं लेंगे वो। और चीज़ें आपकी पहुंच से बहुत दूर रखी होती थी, आप वो दुकानदार को बोलते थे, वो निकाल के रखता था और आपको तोल के देता था और आपका बिल बनता था, जो आप पेमेंट करके वहाँ से निकल जाते थे। लेकिन अब क्या, चीज़ें आपके हाथ में, सुविधा तो आई है, लेकिन उस सुविधा के लिए के साथ में उसकी पेनल्टीज भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये आपके बजट को बहुत अच्छे वाले तरीके से बिगाड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है वाकई में कोई चीज़ में अच्छा ऑफर है और आपके पास वो चीज़ ख़त्म हो रही है, तो आप उसको इकोनॉमिक दृष्टि से देखते हुए ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेने से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप जाकर के जो आपके आसपास की जो लोकल शॉप हैं उनसे आपको जितनी ज़रूरत है उतना सामान ले लीजिए। या कभी आपका मॉल जाना भी अगर होता है, महीने में एक बार जाइए और आपको लगता है कि कोई चीज़ ऑफर अच्छे चल रहे हैं, जिससे कि आपको दिख रहा है कि मतलब ओवरऑल ग्रॉस बचत हो सकती है आने वाले 5-6 महीने में इस चीज़ को लेने से, तो ठीक है आप उसको लेके रख लीजिए। लेकिन टाइम पे उसको कंज्यूम करना, फिर उसके उसको संभाल करना, उसकी ज़्यादा दाल ले लिया, ज़्यादा चावल ले लिया, उसमें अगर बरसात का मौसम में कीड़े पड़ जाएंगे, नहीं संभालेंगे तो उसको, ये बहुत चीज़ ज़रूरी होता है, साथ संभाल भी करनी पड़ती है साथ साथ आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप है, बचिए मॉल से ख़रीदारी करने से और विंडो शॉपिंग करने से। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो ठीक है जाइए, महीने में एक बार ही जाइए, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत जाइए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है माय डियर फ्रेंड, शॉपिंग एप्स, और इनको हम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर क्या होता है इनके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं,
कई ऐप्स ऐसे हैं, नाम क्या लूँ मैं आपको, मिडनाइट डील्स, 12 बजे के बाद इतने ऑफर है, बाय वन गेट फोर फ्री। अब आपको तो लग गया यार एक चीज़ खरीदने या चार मिल रही है, यहाँ पर बड़ा फायदा है। रश आवर डील्स ओनली फॉर वन आवर, चार आइटम डाल दिए, आपको लग रहा है अगर ये नहीं लेंगे तो घंटे भर में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, पता नहीं कितनी भयंकर भीड़ पड़ रही है, मालूम नहीं पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी के अभी ले लो तुरंत इसको परचेज कर लो, हो गई परचेजिंग आपकी। कंपनीज का ये बहुत बड़ा फंडा होता है, सेल्स प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बोलते हैं उसको, कि कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा किस तरह देना। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जियो मार्ट का एक ऑफर आया था कि आपको लाइक एक किलो शुगर 9 रुपये में और एक किलो ओनियन भी 9 रुपये में। इसका पेपर में बहुत अच्छा वाला बड़ा वाला ऐड आया था और सोशल मीडिया पे भी इसका बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन हुआ था, बहुत पब्लिसाइज हुई थी ये चीज़। अल्टीमेटली क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब इसको खोलने की कोशिश करके देख रहे थे तो बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड लग रहा था जैसे मतलब ऐप क्रैश हो गया है, खुल ही नहीं रहा था बड़ी मुश्किल से। मतलब अगर आप चाहो ना उन दो प्रोडक्ट के अलावा कुछ और तीसरा प्रोडक्ट ऐड करके भी अगर आप डाल के अगर आप चाहो ना कार्ड से पहुंच के ऑर्डर लगाना, आप नहीं लगा पा रहे थे। मतलब कंपनी ने हैवी डिमांड क्रिएट कर दी बिकॉज ऑफ द स्लैशिंग ऑफ द प्राइसेस। ठीक है, सारा है उनके पास में, लेकिन ये एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से लालच में आके कस्टमर ट्रैप हो जाता है। ये चीज़ इतने डिस्काउंट में, 4+2 किलो 6 किलो सर्फ, इसमें इतने रुपए का डिस्काउंट, 330 रुपए का डिस्काउंट, आपको लग रहा है यार बाद में लेंगे 1050 का आएगा, अभी 770 रुपए का आ रहा है, 6 किलो ले ले अगले महीने के लिए भी ले ले। कई लोग तो ऐसे होते हैं इस महीने का छोड़ो अगले महीने की भी चिंता है उनको, जबकि जहाँ पर घर में इवन 4 मेंबर भी होते हैं, ये सर्फ जो है 6 किलो सर्फ अच्छा खासा चल जाता है आराम से, 3-4 महीने तो आराम से खींच लेता है चाहे कितने भी कपड़े आप धो रहे हो, लेकिन फिर भी बस एक लालच हो जाता है, नहीं नहीं बहुत कम में मिल रहा है लेके रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, द मनी इज योर्स बट द रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी, कोई चीज़ आपने नहीं ली तो किसी और के भी काम आ सकती है। तो इस तरह के लालच में, इस तरह के झांसों में बिल्कुल मत आइए, जितनी ज़रूरत है लीजिए। ऐप में अगर आपको डिस्काउंट दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इकोनॉमिक आपको लग रही चीज़, आपको ज़रूरत भी आपके वाकई ख़त्म हो रही है एंड यू आर इन नीड ऑफ दैट, तो आप परचेज कर सकते हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम, गो फॉर दैट। उसके ऊपर से पेमेंट गेटवे पर भी लालच आपको, कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पर देंगे, COD पे देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दिया इवन 500 रुपये के पेमेंट पर भी up to 100 रुपीज़ कैश पे, भले वो आपके 20-50 जो भी रुपए आएंगे आपको वापस रेम्बर्स होंगे, ताकि आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे ताकि पैसा कंपनी के पास पहले चला जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड टेकिंग द सब्सक्रिप्शंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये जो भी साइट्स हैं इनके, अगर आप ले लेते हैं तो आपको पहली बार तो ये प्रलोभन दिया जाएगा कि आप ये ले लीजिए 1 मंथ फ्री होगा, लेकिन 1 मंथ फ्री लेने के लिए आपको कंडीशन क्या होगी, आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल उसमें डालनी पड़ेगी, नेक्स्ट मंथ लगते ही आप अगर भूल भी गए तो भी आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, फिर आपको लगेगा पैसा कट ही गया तो अब उसको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने हो सकता है पिक्चरें देखेंगे, ठीक है, फिर अगले महीने से वो रूटीन बन जाएगा, फिर आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, लत पड़ जाएगी धीरे धीरे आपको उसकी, फिर आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। और अगर आप नहीं भी देख पाएंगे, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, घर में कोई गेस्ट आए हैं, लेकिन उसका एक अमाउंट आपका हर एक महीने एक फिक्स हो गया जो कि आपके अकाउंट से जाता ही रहेगा। इसकी जगह आप 1 महीने स्किप कराएं और वो आपका पैसा वहाँ डिपॉजिट हो रहा है, या RD डालें या टर्म डिपॉजिट डालें कुछ छोटे शॉर्ट टर्म के, तो उससे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। ये एक मीठा खर्चा है जो कि बहुत लुभावना लगता है, हमारे यहाँ अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, ये है वो है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है देखने का, कई बार आपको वक्त ही नहीं मिल पाएगा कि आप खोल करके ये सब चीज़ें देखें भी, लेकिन पैसा अच्छा खासा कटता रहेगा। केबल कंपनीज बहुत सारी हैं और एयरटेल, टाटा स्काई, खूब सारी सबके डिशेज लगे हुए हैं छतों पर, सब घरों में, इवन जिस टाउनशिप में मैं रहती हूँ यहाँ भी सबके घर में अलग अलग, कभी किसी के एयरटेल की लगी हुई तो साथ साथ टाटा स्काई की भी लगी हुई है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, हर एक चैनल के अलग पैसे हैं, कई बार आप बहुत सारे चैनल ले लेते हैं लेकिन आप उनमें से देख नहीं पाते काफ़ी चैनल्स को, केवल उन्हीं चैनल का सब्सक्रिप्शन लीजिए जो कि आप देखते हैं, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें और उसमें आपका पैसा वेस्ट नहीं हो। स्टेटस सिंबल के लिए महंगे फ़ोन खरीदने की लत, क्यों हाथ में भैया आईफोन लगा हुआ है तो क्या स्टेटस सिंबल है क्या? आदमी की पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसका कॉन्फिडेंस, ये सब तेल लेने गया, पर आईफोन है, अरे बहुत अच्छा है, तो बहुत रिच है, बहुत हाई स्टैंडर्ड है इनका, ये सोच एक यंग जनरेशन, नहीं मैंने मिडिल लेवल जनरेशन तक देखी है, मतलब स्टेटस एडमिन्स आईफोन मीन्स लाइक लोग दे लाइक टू लाइक दिखा करना, शो ऑफ करना, इतना ज़्यादा मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में हो गया है। बाकी एक टाइम ऐसा था जो STD के इतने इतने बिल चलते थे, घरों में एक फ़ोन भी नहीं होता था, पड़ोस में PP नंबर होते थे जहाँ जाकर के फ़ोन पर बात करनी पड़ती थी, और STD भी इतनी महंगी होती थी जो रीच के बाहर होती थी,
कि आप देख रहे हैं, अगर आप फोन लगा रहे 300 किलोमीटर दूर बैठे आदमी को, तो पता चला मीटर आपका चलता जा रहा है, आपका 10 मिनट के अंदर अच्छा खासा वाला बिल बन गया। और अब ये चीज़ ऐसी हो गई कि हर एक अलग अलग तरह की, और उनको वक्त पे बदलना, अरे इसको बहुत टाइम हो गया है तो मेरे को चेंज करना है, कुछ भी हो जाए चाहे, तो ये एक ट्रेंड बन गया है। इस चीज़ से, इस तरह के दिखावे से बिल्कुल बचिए। इंस्टॉलमेंट पेयर बहुत ज़्यादा अनावश्यक चीज़ों को खरीदने से बचें, क्योंकि उसकी फिर आपकी ईएमआई हो जाएगी, ईएमआई हो जाएगी, वो भी अच्छी खासी एक अमाउंट आपकी सैलरी से कटेगी। उस वक्त तो कोई चीज़ आ जाएगी आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो एक बर्डन लगेगा कि हर एक महीने आपके जाएगी तो सैलरी में से ही, अल्टीमेटली घर के खर्चे के अंदर पैसे कम करने पड़ने लगेंगे, फिर क्या होगा, अल्टीमेटली खिंचाव शुरू हो जाता है। जब पैसे की कमी होती है घर में, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, राशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, दूध, किराना, बच्चों की फीस, ये सब चीज़ें सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, उसके बाद के खर्चे बाकी होते हैं। अगर आपको कोई वाकई नेसेसिटी है, वॉशिंग मशीन चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखावा करने के लिए, बहुत ही महंगी कार शो ऑफ के लिए, बहुत महंगे फ़ोन, ये सब लेने से बचें। क्योंकि क्या है कि इसकी कोई, ये बहुत मीठा खर्चा है, ये पता नहीं चलता, लेकिन आपके ब्याज के अंदर कितने रुपए चले जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, आप अल्टीमेटली जब निकालेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना एक पर्टिकुलर कितना अमाउंट आपने लूज़ कर दिया, जिसको कि अगर आपने बैंक में डाला होता या कहीं सही जगह इन्वेस्ट किया होता तो उसका बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता था। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिखावा करने से बचें, लाइक शो ऑफ करने से। अरे ये सूट मैंने पहना हुआ है, मैं पिछली बार किट्टी पे पहन के गई थी, इसको मैं पहन के अब नहीं जा सकती। अरे वो फलाने रिलेटिव की शादी थी ना, वहाँ तो ये साड़ी पहनी हुई है, तो सबने देखी हुई है, तो क्या हो गया, दोबारा यूज़ नहीं करोगे? खूब सारा आपने अलमारियों में एक बंच बना रखा है, खूब सारा भर रखा है, और आपके पास हमेशा लगता है जब भी कहीं जा रहे हो कपड़ों की कमी होती है, जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ आप लेते ही जाते हो, बार बार लेते जाते हो, तो क्या होगा फ्रेंड्स, जाता तो पैसों से ही है, हर एक चीज़ के पैसे लगते हैं, और अल्टीमेटली दिखावा क्या होगा, फिर भी पूरा नहीं होगा, दोबारा खरीद लेंगी वो, फिर पहन लेंगी वो, फिर कॉमन हो जाएगी, फिर वो कहीं पड़ी रहेगी। अगर आपने गोल्ड की कोई छोटी रिंग ले ली, कान के ईयर रिंग ले लिए, तो हो सकता है वो आपके यूज़ आएंगे, आप उनको पहन सकते हो, वापस दोगे तो भी कुछ वापस आ जाएगा उसमें से, लेकिन कपड़े जो है उनका क्या करोगे, उनको किसको बेचोगे, कोई भी काम नहीं आते ये। बहुत ज़्यादा ज़रूरत के लायक ही खरीदें जो चीज़ आपके पास है, वो बिल्कुल दिखावे करने के चक्कर में, ये चीज़ उसके पास है इसलिए मुझे चाहिए, ऐसा काम बिल्कुल मत करिए। आपको जिस चीज़ की खुद को पर्सनली ज़रूरत है वो चीज़ें करिए। कुछ नई स्किल्स खरीदने में, करने में, स्किल्स को सीखने में पैसा लगाइए, कंप्यूटर सीखिए, नहीं आता तो। कई मुझे लोगों ने कमेंट किया है, लेडीज़ ने, कि मैम पैसे कैसे बचाएं, हम कोई जॉब ही नहीं करते, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या नौकरी करें? अरे तो आप थोड़ा पढ़ाई करिए, पढ़ाई करके कुछ लोन लेकर के कुछ काम शुरू कर सकती हैं, घर पे कोई छोटा महिला गृह उद्योग लगा दीजिए, अचार, पापड़, बढ़िया, बहुत सारी लेडीज़ घर में कर रही हैं ये सब काम। और इवन मैं तो देखती हूँ जो मेड्स हैं, इन्होंने स्कूटर ले रखा है अपना, और वो इतने घरों में काम करती है कि 3,500-4,000 की किस्त आराम से निकाल लेती हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। जब पैसा आएगा तभी तो आप उसको बचाएंगी। पैसा, ये चीज़ मत सोचिए कि मेरे तो आ नहीं रहा है तो बचत कैसे करूँ, तो करने उसके लिए तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप कुछ नहीं कर रही है तो हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेंगी, तब तो पैसे आने वाले नहीं है ना, तो बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है ना ये वाली। तो ये कमेंट आया था, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि आप घर पे ट्यूशन ले सकती हैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं तो, और अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं तो आप फिर घर का कोई काम कर सकती हैं, घर पे ही कोई काम कर सकती हैं, छोटे बच्चों को, बिल्कुल छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, या फिर कोई और जो आपको हाथ का अगर आता है तो सिलाई विलाई कर सकता है, कोई कपड़े सूट वगैरह सिल सकती हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम ले सकती है, अड़ोस पड़ोस से साड़ी में फॉल पिको करना, कोई भी छोटे मोटे काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता यार, बस आप में करने का जिगर होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है वो। ये सारे खर्चे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, ये सारे मनी ट्रैप्स हैं, इनको रोकना आज से शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है, तभी आप पैसे बचा सकते हैं, अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। पैसा बचाइए और पैसे को आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए इन्वेस्ट करिए उसको, ताकि वो पैसा बढ़े। उसको घर में यहाँ रख के, चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में रख करके उसको आप, ठीक है इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत रख सकते हैं अपने पास में, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे को अंडरग्राउंड घर में मत करिए, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, बैंक में डाल दीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट जो है सेविंग हो जाएगी उससे, और आपको उस पर ब्याज मिलने लगेगा। अभी जब नोटबंदी हुई थी कितने लोगों के, कितने लेडीज़ के घर में इतने सारे पैसे निकले थे बताइए, अगर वो बैंक में जमा होते तो एक समय प्रॉब्लम नहीं आती वहाँ लाइनों में खड़े होने की, ठीक है, और दूसरा उस पैसे के ऊपर आपको ब्याज भी मिल रहा होता साथ साथ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको एक फाइनेंशियल अपना जो स्टेटस है
वो सुधारने के लिए अपनी आदतों को तो बदलना ही होगा। देखा देखी के चक्कर में पैसों को बर्बाद मत करिए, इन्वेस्ट करिए, तभी भी आप मनी मैग्नेट बन सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको लगता है वीडियो अच्छी लगती है मेरी, किसी के काम की हो सकती है, तो उसको शेयर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं सबकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार।